हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर के लिए बेस्ट 5 ट्रेडिंग स्टॉक्स, जिनके अंदर आपको मैं यहां पे लेवल बताऊंगा कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको लेवल बताऊँगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब चलते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं और हमारे स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम सभी प्रकार की अपडेट आपको देते हैं, मार्केट का मूड क्या करने वाला है मॉर्निंग के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं और साथ में हमने चैट सेक्शन ओपन करके रखा है ताकि आप अपने ट्रेड के बारे में भी वहां पे हमसे पूछ सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं यहां पे स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर। तो जो पहला स्टॉक हमने चुना है वो है ईआईडी पेरी। सभी शुगर कंपनीज हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है, शुगर के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी एसएपी की प्राइस है उसको पर क्विंटल के हिसाब से बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे शुगर की कंपनियों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। सिंपल तरीके से आप ईआईडी पेरी का चार्ट देखोगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, स्विंग हाई निकल चुका है, वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे डे हाई निकलता है 525 का, अगर लेवल निकलता है तो आपको एंट्री कर लेनी है। 535 का पहला टारगेट होना चाहिए, 544 का दूसरा टारगेट होना चाहिए और 517 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ईआईडी पेरी हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक। इसके बाद में हमने चुना है टाटा कंज्यूमर, जो स्टॉक है वो टाटा कंज्यूमर के अंदर मैंने क्यों चुना है वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आपको इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। जब यहां पे था तब भी मैंने आपको रिसर्च करके बताई थी और यहां पे मैंने आपको बताया था, बहुत बेहतरीन एक वीडियो बना करके डेडिकेटेड बनाया था एक वीडियो, उसके अंदर बताया था कि कैसी कंपनी है, ठीक है, टाटा ग्रुप की। तो वो भी आप देख सकते हो अपने जो वीडियोस की लिस्ट है उनके अंदर, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पे देखो कि ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट से पहले जो ब्रेकआउट के लिए रिक्वायर्ड चीज है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है कि ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन दे। तो कितना बेहतरीन कंसोलिडेशन है और ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए क्या इसके अंदर सोर्सेज हैं, क्या इसके अंदर फोर्स लगेगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाटा कंज्यूमर है वो क्या कर रही है कि राजस्थान की एक कंपनी है हल्दीराम, और उस हल्दीराम की कंपनी के अंदर ये 50% की हिस्सेदारी खरीद रही है, ठीक है। तो ये हिस्सेदारी है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी ये पहले से एकदम बहुत फेमस है और साथ में हल्दीराम भी बहुत बहुत फेमस है। तो इस चीज़ का आप देखोगे कि यहाँ पे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डे हाई निकलता है तो आपको एंट्री कर लेनी है। मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 883 का लेवल होगा, वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। 890 का पहला टारगेट होना चाहिए और 900 का दूसरा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 876 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो हमने स्टॉक चुना है वो है सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपसाइड बनी थी, एक डबल बॉटम बनने के बाद में बनी थी, ठीक है, और डबल बॉटम बनने के बाद में अपसाइड बनी, रेजिस्टेंस के पास में आकर के इसने फिर से एक कंसोलिडेशन दिया है। तो यहां पे फिर से वापस ऊपर की साइड में चल रहा है, रियल्टी सेक्टर के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट चल ही रही है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो इसके अंदर काफी अच्छी ऊपर के साइड में मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जगह है इसमें, ठीक है। तो यहां पे हम लेवल है हमारा 379 का, 379 के ऊपर आपको एंट्री कर लेनी है। 383 का पहला टारगेट होना चाहिए, 387 का दूसरा टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको 375 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो स्टॉक हमने चुना है वो है सुमितोमो केमिकल। केमिकल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट चल रही है अब, और जो अभी शुरू ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो हमने पहले भी इसको दिया था, ये यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में इसने डबल बॉटम बनाया और उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसके अंदर ब्रेकआउट
ब्रेकआउट हो चुका है, वापस से लेवल अगर निकलता है डे हाई का तो वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है। लेवल आपको देता हूं 453 का, वहां पे आपको एंट्री करनी है। 459 का पहला टारगेट होना चाहिए, 462 का दूसरा टारगेट होना चाहिए, 449 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो स्टॉक हमने चुना है वो है CCL प्रोडक्ट। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको दिया था इंट्राडे के अंदर ही, और इसके जो टारगेट हैं वो यहाँ पे हमने दिए थे 643 के। फाइनल जो सेकंड टारगेट था हमारा 643 का, ठीक है, जो अचीव हो गया है और यहाँ पे ही आकर के रुका है। फिर से डे हाई निकलता है तो इसके अंदर फिर से एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री का लेवल है 644 का, 652 का पहला टारगेट होना चाहिए, 656 का दूसरा टारगेट होना चाहिए और 638 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CCL प्रोडक्ट के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट जिनके अंदर आपको एंट्री करनी है। जो लेवल मैंने हैं वो आपको बता दिए हैं और वो मेरी पर्सनल राय है, वो मेरी आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग करने की। आप बाइंग करते हो तो वो आपकी ओपिनियन होगी, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा और फिर ही आप ट्रेड कीजिएगा। तो अब यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।